रोज़े की नियत कैसे करना है, शबे बरात में जो रोज़ा रखा जाएगा उसकी नियत कैसे करना है, इसको समझ लें कि नियत जो है रमज़ान में जो लोग पढ़ते हैं ना बिसौम गदिन नवैतु लिल्लाह ताला मिन शहरी रमज़ान, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है कि नियत है कि नहीं है और सही हदीस में इस तरह के अल्फाज नहीं मिलते हैं। बहरहाल नियत जो है वो है क्या, नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा किया कि हमें सुबह रोज़ा रखना है तो शब बरात का रखना है, शाबान का रखना है, तो बस वो आपकी नियत हो गई, वो आपका रोज़ा माना जाएगा। क्योंकि आपका रात में उठना सहरी करना ये बता रहा है कि आपने रोज़े की नियत कर ली, आप रोज़ा रखने वाले हैं। सबसे अहम जो नियत है ना वो आपका सहरी करना है कि आप सहरी करो भाई। अभी ऐसा कभी और होता है कि आप 3 बजे उठ के खाना खा रहे हो, कभी नहीं होता है। जब रोज़ा रखना होता है तो ही ऐसा होता है कि आप फज्र से पहले उठ के खाना खा रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। तो वो सहरी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कोई पागल तो हो नहीं गया जो सुबह उठ के खाना खाएगा इतनी सुबह? तो जाहिर सी बात है कि रोज़ा रखने की वजह से, तो इस वजह से वो उसकी नियत है, जो वो सहरी कर रहा है ना यही उसकी नियत है। नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह तबारक तआला, देखो इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला जिस्मिकुम वला इला सुवरिकुम वलकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला लोगों की शक्ल को नहीं देखता है, सूरतों को नहीं देखता है, जिस्मों को नहीं देखता है, वलकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, बल्कि अल्लाह ताला लोगों के बंदों के दिलों को देखता है। तो हमारी जो दिल के अंदर नियत है वही नियत हो गई, इसलिए इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। आपने दिल में इरादा कर लिया काफ़ी है, वही आपकी नियत हो गई।